हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपना टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा कॉटन यानी कि कपास। कपास में सबसे पहले हम जानेंगे कपास के वनस्पतिक नाम को। देखिए, कपास का जो वनस्पतिक नाम होता है वो वनस्पतिक नाम है गॉसिपियम। गॉसिपियम कॉटन का वनस्पतिक नाम है जिसका कुल है मालवेसी, यानी मालवेसी फैमिली के अंतर्गत कॉटन को रखा जाता है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन की, यानी कपास की उत्पत्ति। देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, जो कपास की उत्पत्ति है, तो कपास की उत्पत्ति में सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि इसकी जो ओरिजिन हुई, यानी जो इसकी उत्पत्ति है, वो क्या है कि कपास विश्व का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो फाइबर है वो किस कौन है? कपास है। और इसके प्रयोग को 1500 वर्षों से पहले का माना जाता है। यानी अब विश्व के लगभग सभी देशों में कपास की खेती की जाती है। कपास का जो वनस्पतिक नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है गॉसिपियम, जो मालवेसी कुल का सदस्य है। यह कैसा होता है? एक वर्षी या बहुवर्षी श्रब होता है और ये उष्ण तथा शुष्क जलवायु का पौधा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है। काली तथा लाल मृदा इसके लिए कैसी होती है? उपयोगी होती है। कपास पौधे के कैप्सूल में अनेक बीज पाए जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया क्या, जो कपास के बारे में हमने आपको बताया कि कपास जो कॉटन होता है उसकी ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। नेक्स्ट देखिए, जो कपास है यानी जो कॉटन है, तो हमने आपको बताया कि जो काली तथा लाल मृदा इसके लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि कपास का जो विश्व उत्पादन का लगभग 85% भाग जो है वो रूस, अमेरिका, चीन और हमारा कहाँ जाता है, भारत, पाकिस्तान आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम उसकी जातियों की बात करें, तो देखिए गॉसिपियम और आर्बोरियस और गॉसिपियम हिस्टोम, ये उसकी उपजातियां होती हैं। अब देखिए, भारत में जो सूती वस्त्र है, वो सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें, तो व्यापारिक दृष्टि से जो कपास है वो उद्योग विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी एक मुख्य उद्योग है। कॉटन के रेशे तैयार करने में कई मुख्य चरण होते हैं। वो मुख्य चरण क्या होते हैं? सबसे पहला चरण आपका होता है ओटना, दूसरा चरण होता है गांठ को तैयार करना, तीसरा आपका होता है चयन, दूसरा होता है आपका बुनाई और उसके बाद आपका होता है क्या, कर्षण, और अंत में क्या होता है कि रेशों को ऐंठ कर उनके डोरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि भारतवर्ष में लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है और प्रतिवर्ष करीब कितनी होती है, 104 लाख जो है गांठ कपास उत्पन्न होती है। यह एक प्रमुख उद्योग है। फिर भी लगभग कितना, 70% कपास की खेती मानसून पर निर्भर करती है।
सूती वस्त्र उद्योग। अगर हम सूती वस्त्र उद्योग जो है गुजरात में सर्वाधिक पाया जाता है, अगर आपसे कह दिया जाए कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, गुजरात में पाया जाता है। और भारत में लगभग 1000 सूती वस्त्र जो होते हैं, 1000 सूती वस्त्र मिले हैं। नेक्स्ट, अगर देखिए जब क्या कहते हैं 1954 में, तो 1954 में क्या था कि कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो थी कि स्थापना हुई थी, जो इस उद्योग यानी इस इंडस्ट्री को उन्नतशील बनाने में अत्यंत क्या थी, सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इस कारण से जो सूती वस्त्र हैं, वो सूती वस्त्र जो होते हैं वो उद्योग विदेशी व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए। और भारत में कपास का शोध संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में। याद रखिएगा, आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कपास का शोध संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है? बॉम्बे में। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि शोध संस्थान कहाँ पर है? बॉम्बे में। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, यानी इसके यूसेस क्या है। तो देखिए, इसके जो कपास के उपयोग होते हैं यानी इसके यूसेस हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉटन जो है वो फाइबर्स जो है फाइबर से उच्च श्रेणी के सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्या है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो गाड़ियों के टायर वगैरह में, मशीनों के भट्टे में तथा रस्से आदि में के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके सेलुलोज में अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इसे अवशोषक रुई की तरह उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आप ये समझ लीजिए कि रुई का उपयोग जो है वो तकिए में, गद्दे में और आपकी क्या कहते हैं उनकी भराई में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे खाद पशु आहार में प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमने जाना कॉटन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स में कॉटन के अलावा आता है कि हमारा क्या, जूट। अब जूट में क्या होता है कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि जूट आपका किस में रखा जाता है, कारकोरस में। और कुल कौन सी होती है? टिलिएसी। ये जो है किसका है? जूट का। अगर हम बात करें कि उसका वनस्पतिक लक्षण क्या होता है, तो एक शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि जो जूट का वनस्पतिक लक्षण ये होता है कि ये कैसा होता है, बास्ट फाइबर होता है। बास्ट फाइबर होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 10 फुट तक की ऊंची होती है। आप देखिए, अगर हम जूट के उपयोग की बात करें कि जूट किस में उपयोग में लाया जाता है, तो जूट हमारा किस में लाया जाता है, समझिए कि जूट जो होता है वो कुल उत्पादन का लगभग हमारा कितना होता है, 70% होता है। 70% होता है। और क्या होता है कि जूट के बने बोरे किसमें होते हैं, खाद्य सामग्री और औद्योगिक उत्पादों की पैकिंग में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल अगर हम देखें तो जूट के पर्दे बनाए जाते हैं, कालीन बनाई जाती हैं, कंबल बनाए जाते हैं और क्या बनाया जाता है, रस्सा बनाया जाता है। तो इन सारे उपयोगों में जूट का इस्तेमाल होता है। आजकल देखा जाए तो आजकल जब कागज की कमी है तथा प्लास्टिक झोले पर रोक लगी है, तो क्या है, जूट के झोले क्या होते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि ये हल्के रहते हैं और क्या होते हैं, इनमें जैव निम्नीकृत होने के कारण प्रदूषण कम होता है। और इसके प्रयोग को इसीलिए प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि ये प्रदूषण को कम करता है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में,
कॉटन के बारे में। कॉटन में हमने आपको बता दिया कि कॉटन का वनस्पतिक नाम क्या होता है, उसका कुल क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, उसके लक्षण क्या हैं, और लक्षण के अलावा जो हमारा प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन होता है वो क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, और उसमें यूजेज यानी उसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।